मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने शियोली में शहीद सिपाही राम जीवन लाल की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि शहीद राम जीवन लाल बीते 22 सितंबर 1977 को चीन में हुए युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार शहीदों को सम्मान देने में सर्वोपरि है। इतिहास के पन्नों में खो गए शहीदों को ढूंढ ढूंढ कर उत्तर प्रदेश सरकार सम्मान देने का काम कर रही है। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार खड़ी है, उनको सम्मान मिलेगा, उनके परिवारजनों को न्यायोचित सम्मान मिलेगा उनकी याद में, क्योंकि सर्वोच्च बलिदान देश की सीमा पर देश की रक्षा की सीमा की रक्षा के लिए जो उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी है, उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान को जिंदा रखना, उससे नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का कार्य। बुलंदशहर के डिबाई विकास खंड के नगला चौरी गांव बने प्राथमिक विद्यालय में मासूम बच्चों से झाड़ू लगवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बीएसए ने डिबाई बीसीएस को जांच सौंपते हुए दोषियों को जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। सर, डिबाई के एक स्कूल में, ये कौन सा स्कूल है जिसमें बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, कब का वीडियो है, क्या कार्रवाई की जाएगी? ये वीडियो आज का ही है और ये नंगला चोर है। वही बच्चों के सफाई लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद, हालांकि बीएसए की तरफ से जांच की बात तो कही गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निशान यह शिक्षा विभाग पर खड़ा करता है, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं लाई जा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए तमाम तरह के लुभावने जो चीजें हैं वो बच्चों के लिए की जा रही है कि बच्चे स्कूल आए, उनके पेरेंट्स को जागरूक किया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजे, स्कूल में पंजीकरण कराए बच्चों का, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों के हाथों में किताब की जगह झाड़ू पकड़ा दिया जाता है ताकि बच्चों का ज्यादा ही मन लगा रहे। आखिर बच्चे जो देश का भविष्य है, उनका क्या भविष्य है जब वो स्कूल में पढ़ने के बजाय झाड़ू लगाते हुए नजर आए? और सबसे बड़ा पोल तो यह है, स्कूल प्रशासन की भी खोलता है कि क्या स्कूल प्रशासन में सफाई कर्मी नहीं है जो बच्चों को सफाई करने की जरूरत पड़ रही है, या फिर सफाई कर्मी की सैलरी को हड़प लिया जा रहा है और सफाई बच्चों से करवाया जा रहा है। ऐसी तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो प्रदेश के अन्य जिलों से आती रहती है, जहां बच्चे तो स्कूल में जाते हैं लेकिन सफाई करते हुए नजर आते हैं, या फिर कहीं खाने की व्यवस्था नहीं होती है। तमाम तरह की इस तरह की बातें निकल करके सामने आती है और सबसे बड़ा सवाल है निशान ये पूरे जो शिक्षा विभाग है उस पर खड़ा करता है। आखिर इतनी योजनाएं, इतनी तमाम तरह की सुविधाएं देने के बावजूद भी आखिर बच्चे क्यों ऐसा करते हुए नजर आते हैं? संवाददाता विशाल कुमार गर्ग इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके हाथों में किताब की जगह झाड़ू क्यों पकड़ा दिया गया? क्या आप पे सफाई कर्मी नहीं है इस स्कूल में? मैं आपको बता दूं, ये जनपद बुलंदशहर के डिवाइस क्षेत्र का मामला है, जहाँ बच्चे अपने भविष्य के लिए स्कूल जाते हैं, जहाँ किताब की जगह झाड़ू थमाई जाती है। सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अध्यापकों की कमी होती है, बच्चों पे सफाई कराई जाती है। जब आपने इस पे अध्यापकों से और प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो क्या कहा गया है, और ये कौन अध्यापक है जो बच्चों के हाथों में झाड़ू पकड़ा दिए है? इस पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी शिक्षा विभाग की तरफ से? बीएसए का ये कहना है कि नोटिस जारी कर दिया गया और कार्रवाई का की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। शाहजहांपुर के डॉक्टर सुदामा प्रसाद बाल विद्या मंदिर कन्या इंटर कॉलेज में छात्रों के लिए अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच का होना बेहद जरूरी है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में यूपी बोर्ड में टॉप करने वाले 10 छात्रों को सम्मानित किया गया।
अलीगढ़ के उसरम पुलिया के पास बने शराब का ठेका बंद कर जा रहे सेल्समैन के साथ मारपीट की गई। मारपीट ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब की दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसके भाई के साथ कुछ नामजद युवक मारपीट कर रहे थे और बीच बचाव करने पर सेल्समैन के साथ भी मारपीट की गई। पूरे मामले में पीड़ित ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पीड़ित ने शिकायत पत्र पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, इसलिए पीड़ित अन्य अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो मैं गांव पहुंचा, मेरे भाई के साथ मारपीट हो रही थी परचूनी की दुकान पर। मैंने बीच बचाव किया, बीच बचाव के दौरान जो मेरे कंधे पर रखा बैग, मेरे साथ ही मारपीट की गई और कंधे पर रखा बैग हमलावर। कुशीनगर में एक महिला ने सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों पर ऑपरेशन के नाम पर 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है और कहा कि अस्पताल में मौजूद कर्मचारी के द्वारा प्रसव कराने के नाम पर 5,000 रुपए की वसूली की जा रही है। इसको लेकर तीमारदार समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर पैसा भी लगा लो कितना के ले लो सुबह मैडम जी ढोली 5,000 और चल रहा है को ले बदल। गरीबों, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना सबसे पुनीत कार्य माना जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जनपद मानपुरी के कस्बा करहल में अखंडमय क्लिनिक ने सराहनीय कार्य का अनुकरण मिसाल पेश की है। अखंडमय क्लिनिक के तत्वाधान में करहल नगर में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर, पथरी, शुगर, ब्लड प्रेशर, नाक, कान, गला आदि के तमाम मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गई। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बड़ा खुशी का माहौल है, माहौल है यहाँ पे। आज हमने करहल में अखंड भाई क्लिनिक में, अखंड भाई जो क्लिनिक है यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया है, जिसमें कि मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के विभिन्न डॉक्टर आए हैं, जिनमें कई मरीजों को, अराउंड 150 मरीजों को देखा गया। इसमें हमने कैंसर के मरीज को देखा है, साथ में जो गायनी के मरीजों को देखा गया, उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं, आँखों के डॉक्टर आए हैं, दांतों के डॉक्टर आए हैं और जनरल मेडिसिन के विभिन्न प्रकार की बीमारियों के डॉक्टरों ने मरीजों को देखा गया है और उनको इलाज के लिए आगे बताया है क्या करना है। नर सेवा नारायण सेवा होती है। अखंडमय क्लिनिक के द्वारा ये जो निःशुल्क शिविर लगाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय है। इसकी जितनी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर अलीगढ़ के छात्रों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। धरना देने वाले छात्रों ने पीएम से आगे की पढ़ाई देश में ही कराए जाने की मांग की। बड़ी संख्या में छात्रों और उनके परिजनों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां रोडवेज बस कार में जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।